everything. This is the best avenue plantation of Conocarpus. और दोनों तरफ डेजर्ट हैं और उन डेजर्ट के दरमियान में ये आपका कोनो लगा वगैरह. इन कोनों के बैक पे देखे तो डेजर्ट है, यानी टिब्बे टिल्ले हैं, और अगर दूसरी तरफ भी देखें तो दूसरी तरफ भी टिल्ले टिब्बे ये सारे आपको नज़र आएंगे. तो ना होने से बेहतर है कि एटलीस्ट कोनों को लगाएं और इसकी मेंटेनेंस. और दूसरी अस्सलामुअलैकुम, हम इस वक्त मुजफ्फरगढ़ बाईपास पे हैं, जो डी जी खान को जाती सड़क मुल्तान से आते हुए मुजफ्फरगढ़ बाईपास है. और आपको सिर्फ ये बताना मकसद है कि ये गर्म तरीन इलाका है और इंडियन प्लांटेशन पे कोनोकार्पस कितना कामयाब और खुश हो रहा है. और इसको मेरा ख्याल आप पानी भी नहीं देते, ये 10 साल पहले की प्लांटेशन है, 8 साल पहले की प्लांटेशन है. और सिर्फ ये बताने का मकसद है कि इस वक्त तकरीबन शाम दरख्तों के पत्ते झट जाते हैं, लेकिन सिर्फ कोनोकार्पस ऐसा है तो इस वक्त आपकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन को मेंटेन किए हुआ है. और बस साहब, आप कोनो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कोनो जो है ये इस वक्त बहुत अच्छी हालत में है और पत्ते इस पर सलामत हैं और ये ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, जबकि अभी नई स्प्राउटिंग जो है वो दूसरे पौधों की हो रही है, वहाँ पर पौधे पत्ते नहीं हैं. लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो रोड साइड प्लांटेशन है वहाँ पे ये इसकी प्लांटिंग की जाए. ये एक बड़ा खूबसूरत और एस्थेटिक प्लांट है और इसकी कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं. और ये बड़ी अच्छी हालत में और बड़ी ऊंचाई तक चला जाता है और सड़क पर कूलिंग इफेक्ट, यानी कि कूलिंग इफेक्ट देता है. और सबसे बड़ी बात है कि इसने हाइट भी ली हुई है और फुल ग्रीन भी है और पानी के बगैर, पानी के बगैर, क्योंकि बेसिकली ये डेजर्ट स्पीशी है. और इसको ब्राय मेहरबानी हेट ना करें, इसको यूज़ करें. जिस तरह आपने यूकलिप्टस के ख़िलाफ़ महम चला के उसका सत्यानाश किया, कोनों के पीछे पड़ के इसका सत्यानाश कर रहे हैं. हमारे मुल्क में जो स्पीशी जो हालात के मुताबिक फिट इन होती है उसको लगाना चाहिए और उसको कामयाब बनाना चाहिए. ये जो मम्मी डैडी बर्गर फ्रस्टर हैं, इससे जांच और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इसी सड़क की राइट साइड को भी देखें तो आपको पूरा रोड एरिया नज़र आएगा, टिब्बे टिल्ले और अक के पौधे उगे हुए हैं, जिस पे इंडिकेशन है कि सॉइल बहुत पुअर है, एसिडिक है और यहाँ पे प्लांटेशन का जो वो स्कोप है बहुत पुअर है. लेकिन कोनों ने यहाँ पे अपने आप को जिंदा रखा, सर्वाइव किया और कामयाब रहा. ज़्यादा आगे हमारे फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा, आनी चाहिए. दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला.